और जो जगह मैंने खाली करनी थी अपनी साफ सुथरी करके यहाँ पे एक सेटअप करना था किसी चीज़ का। जब जब हमने एग कैंडलिंग की है हमारे बच्चे क्या मतलब सड़ जाते हैं अंडे। लकी पिजन जो है वो अंदर जाना चाह रहा है, ये देखो उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। ओए तो ये लो भाई तुम्हारा दाना, हमारी डफ ये अंदर रख दिया मैंने। और पानी कहाँ है इसका, ये रहा, और ये रहा तुम्हारा पानी। यार गिरे नहीं, बहुत ज़्यादा ओवरलोड भर दिया मैंने जज्बात में, बस बहुत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों अभी जो है ना मैं अपनी डायमंड डफ के पास था, वो देखें उसको मैंने दाना डाला तो फौरन से आके उसने खाना शुरू कर दिया, ये देखें भाई। तो यार मैं अभी खड़े हुए यही सोच रहा था यहाँ पे दोस्तों सेटअप पे कि हमारी डायमंड डफ कब से अकेली पड़ी हुई है यार, और मुझे जो है टाइम ही नहीं मिल रहा क्योंकि यार मेरे सर पे ये सारा का सारा जितना है पूरा सेटअप देख रहे हो आप लोग, कितने मुर्गे मुर्गियाँ हैं यार इतने सारे माशाल्लाह से, तो वो सब मेरे ही कंधे पे हैं भाई। क्योंकि यार दोस्तों हमजा मेरे साथ होता था तो वो जो है काफ़ी हेल्प करा लेता था, पर हमजा की जो है अब वो जॉब है वो आप लोगों को पता है, तो जॉब की ऐसे वो आता है 6-7 बजे, जब तक मगरिब हो जाती है, तो इस वजह से बेकार है उसका आना, फिर वो वीडियो में भी नहीं आ पाएगा, फिर क्या फ़ायदा। तो इस वजह से दोस्तों और वीडियो हम कब बनाएंगे, तो बस इस वजह से हमजा आ ही नहीं पाता, नहीं तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती थी। बाकी दोस्तों यार अभी जो है हमने ब्राउनी को खुला हुआ है और आज ब्राउनी बहुत अच्छे से खाना खा रहा है क्योंकि भाई इसका मनपसंद खाना है जो कि हमारे यहाँ नीचे प्याज चावल टमाटर वो सब बच जाता है, तो वो आज मैंने इसको ला के दिया। थोड़ा बहुत दाना भी दिख रहा होगा क्योंकि यार ज़्यादा नहीं था तो मिक्स करके दिया है, तो माशाल्लाह से आज देखें ब्राउनी का पेट कितना फुल भरा है ये देखें। तो आज ब्राउनी ने बहुत अच्छे से खाया है और अपना पेट जो है ना दोस्तों वो फुल कर लिया है। तो यार मैं जितना कबाड़ा हटाने के चक्कर में लगा पड़ा हूँ छत से ताकि मैं सेटअप को अपग्रेड और बढ़ा सकूँ, उतना ज़्यादा कबाड़ा मेरे सर पे आला के लग देते हैं घर वाले। ये देखें कितना सारा, ये सारा का सारा अब यहाँ पे ही जमेगा मुझे पता है, यहाँ कहीं ना कहीं छत पे। और जो जगह मैंने खाली करनी थी अपनी साफ सुथरी करके यहाँ पे एक सेटअप करना था किसी चीज़ का, और वो जानमल भी लाना था मैंने, कौन सा एनिमल था वो तुम लोगों को दिखाता यार, बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी और तुम लोगों को बहुत अच्छा लगता। और क्या करूं यार मेरा ना बिल्कुल माइंड ना इस चीज़ पे फिर बहुत गुस्सा होता है, तो खैर से इसको जल्द हम करते हैं यार। और वो मैंने भाई को भी बोला है कि भाई मेरे साथ मदद करें इस चीज़ में ताकि मैं जो है वो सेटअप यहाँ पे बना सकूं और आप लोगों को भी दिखा सकूं कि हम यहाँ पे क्या सेटअप बनाएंगे और क्या लेकर आएँगे। तो यार कल जो है मैंने आप लोगों से पूछा था कि हमें कैंडलिंग करनी चाहिए या नहीं, तो यार इस पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इनके अंडे जो है ना वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमजा ने रखे थे, तो बाकी मेरी तबीयत सेट नहीं थी, मैं 10 दिन तक गायब रहा था टाइफाइड की वजह से, तो इस वजह से दोस्तों हमजा ने अंडे रख दिए थे, इन्होंने अंडे अपने दिए थे दोनों, पर हमजा ने दोनों हटा के ये बफ के अंडे रख दिए। अब दोस्तों बात ये आ रही है हमजा डर रहा है, हमजा बोल रहा है यार जब जब हमने एग कैंडलिंग की है हमारे बच्चे क्या मतलब सड़ जाते हैं अंडे। अभी हमारे पास एक बच्चा आ गया है तो उसको ये पूरी उम्मीद है, बोल रहा है कि यार ये दोनों जो है ना ये दो बच्चे भी इंशाल्लाह निकाल देंगे, तो वो बोल रहा है कि एग कैंडलिंग छोड़ते हैं यार हम थोड़े दिन और देखते हैं। अंडों को हम चेक करते रहेंगे दोस्तों निकाल के, मतलब सुबह भी आता हूँ तो मैं देखता हूँ उनमें वेट है, और जिस दिन आवाज़ आ रही हो मतलब इस वीक के अंदर अंदर निकल जाने चाहिए ये हमजा का अंदाज़ा है, तो वो बोल रहा है इसमें इस वीक में लाजमी निकलने चाहिए, अगर नहीं निकले फिर हम चेक करेंगे यार, फिर हमें मजबूरन तौर पर चेक करना पड़ेगा, वैसे अगर निकलने तो लाजमी चाहिए, अगर बच्चे बने हुए तो लाजमी निकलेंगे, अगर नहीं निकले फिर ये हम कह सकते हैं कि अंडे शायद ख़राब हों, तो कुछ नहीं पता यार देखते हैं। तो यार हमारे टाइगर लाइगर जो हैं वो दोनों के दोनों माशाल्लाह देखें यार, एक चीज़ हमसे ना इसके अंदर हमें एक तरीके से जो बोलते हैं ना कि जिससे हमने ख़रीदा है उसने हमें थोड़ा सा पता नहीं ये क्या बोलते हैं धोखा दिया या जान पूछ के करा है कुछ पता नहीं है, ये देखें ये जो है ना हमारा यार क्या नाम है इसका, नाम हमने शायद हाँ टाइगर रखवा दिया था, अब जो भी समझ लो यार आप लोग। तो इधर दिखाओ भाई, तो इसकी चोंच देखें यार, इसकी चोंच जो है ना दोस्तों अभी तो खाना लगा हुआ वाजे नहीं हो रही होगी, इसकी चोंच टेढ़ी है हल्की सी, मतलब सीधी होनी चाहिए थी, इसकी चोंच हल्की सी टेढ़ी है ऊपर की तरफ से, तो ये इसमें नुक्स है, ये देखें अच्छी खासी टेढ़ी है इस तरफ से, ये मोटा मोटा आ रहा है साइड इस तरफ हुआ हुआ है। तो यार ये चीज़ उसने पैसे हमसे पूरे लिए थे और चीज़ के पैसे लिए थे पूरे के, यार आपको मैं इतनी अच्छी चीज़ दे रहा हूँ ये वो फलां टिमाका, पर यार जब आपने लिए हैं पैसे तो डिफेक्टिव पीस तो मत दो ना, सही पीस दो आप, जो सही है बिल्कुल जो निकला है बच्चा, उसके पास और भी बच्चे थे पर उसने फिर भी यही भेजा, तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसे लगा था, मैंने भाई को बोला था कि उसने हमारे से एक तरीके से फ्रॉड ही किया ये और पैसे ले लिया, पर डिफेक्टिव पीस जो है वो हमारे हाथ थमा दिया, तो खैर क्या कर सकते हैं, तो इसका देखते हैं यार कि बड़े होने तक इसका ये डिफेक्ट सेट होता है खुद ब खुद, वैसे तो नहीं कर सकते क्योंकि चोच है कुदरती ही ऐसी है।
तो यार हमारा ब्लैक लकी पिजन को भूल तो नहीं गए थे ना आप लोग? यार इसको मैं ना टाइम बहुत कम दे पा रहा था यार, मसरूफियत की वजह से दोस्तों, बहुत ज़्यादा मसरूफियत लगी पड़ी थी, मैंने बताया ना, तो उस वजह से मैं बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ इसको खास तौर पे। तो खैर से यार इसको मैं छोड़ के देखने के लिए मैंने निकाला था कि इसके अव्वल पर तो नहीं आ गए वापसी से, तो देखते नहीं तो फ़ौरन पकड़ लेंगे हम। अभी तो खैर ये हिला हुआ है नहीं है यार पल, चलो शुक्र है। आ जाओ भाई, यार मैं इसको ना हैंड टेम करने का ऐसा दिल चाह रहा है मेरा कि ये मेरी उंगलियों पर आ जाएगा रे। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ पर ये अभी आता नहीं है। आ जाओ। नहीं भाई ये देखो, अभी इसको सिर्फ अपना ना दोस्तों वो दिखता रहता है, क्या नाम है, पिंजरा, तो ये वहाँ जाने की करता है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बस यहीं बैठे रहो, बहुत है तुम्हारे लिए जगह, ठीक है ना। तो यार ये जो है अच्छा खासा हिल तो गया है मेरे से, पर अभी भी ना डरता है उस कबूतर की, ऐसे खौफ में आने लग गया है। तो यार अब मैं तुम लोगों को बताऊं कि आज मैं चूचू को छत पे क्यों नहीं लाया, तो उसकी मेन वजह कोई भी नहीं है ऐसी। मैं इसलिए नहीं लाया कि यार मैं एक दो दिन छोड़ छोड़ के बीच में लाता रहूँगा चूचू को, ऊपर ले आऊँगा, दिखाता रहूँगा, वैसे मैं लाता हूँ पर दोपहर के टाइम, पर आज शाम हो गई थी, धूप भी नहीं है और मौसम की चेंजिंग सूरत हाल जो है वो बहुत हटते हुए चेंज होती जा रही है, क्योंकि यार सर्दियां जो हैं उनकी आमद हो गई है और बहुत जल्द आमद हो जाएगी। अभी तो खैर बहुत गर्मी थी, साफ बात भाई मेरी भी पसीने छूट रहे थे, लेकिन सर्दियां किसी टाइम पे लग जाएंगी, ऐसे होगा कि एकदम झटका लगेगा और एक रात ऐसी गुजरेगी कि सुबह उठेंगे तो ठंडी मिलेगी हमारे को, तो इस वजह से मैं कुकू को लाने में थोड़ा एहतियात कर रहा हूँ अभी। चलें तो मैं वापसी पिंजरे में बंद कर दें भाई। तो यार ब्लैक की पिजन जो है ना हमारा लकी, ब्लैक लकी पिजन जो है वो अंदर जाना चाह रहा है। ये देखो उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, ओए 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 हट, ये हमला करेगा इस पे मुझे पता था। तो यार तुम जाओ अंदर अभी, ये देखो भाई, ये वैसे दोस्तों मेरे कंधे से खुद भी चले जाता है कंधे पे बैठे बैठे अंदर जब मैं खोलता हूँ, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी ये कूद गया। तो भाई हमारे चिंटू मिंटू ने ना अपना पूरा खाना आज फुल फिनिश करा है, देखा चिंटू मिंटू ब्राउनी बच्चे जो है ना, इनको ना दाना बहुत, मतलब मैं वो देखा है बहुत कम पसंद है। मैं दाना डालता हूँ दोस्तों तो बहुत कम खाते हैं, पर आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि रोज़ रोज़ का ये थोड़ी मिल सकता है इनको रोटी ये चीज़ें, तो इसलिए दाने की आदत लाजमी अपने परिंदों को भाई डाला करें आप लोग भी। तो खैर से भाई इनका मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि यार आप लोगों को इनके अंदर जो है हमारे चिंटू मिंटू में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? ये देखें भाई, मैं खोल के भी दिखा देता हूँ, खुल जा भाई, ये देखें कोई इनमें साइज़ वाइज का मुझे तो लगे थोड़े बहुत बड़े हैं, पर यार ये हम लाए थे, ओए काटता है यार चिंटू ना, काटने लग गया, ये देखो अब इसको ना मुझे, चलो। तो यार मैंने तुम लोगों से ये पूछ रहा था कि चिंटू मिंटू जो है वो साइज़ में बड़े लग रहे हैं, क्योंकि यार हम बकराईद पे लेकर आए थे ये, जब हम जानवर देखने जा रहे थे तब बकराईद पे इनको हमने ख़रीदा था भाई और मैंने मंडी से, वहाँ पे ही वहाँ बाहर मुर्गा मंडी लगती है, तो थे तो बहुत अच्छे नस्ल, पर मुझे तो भाई लग रहे हैं कि बड़े हो रहे हैं, पर मैंने बोला यार फिर भी पूछूँ, एक मेरा ना एक जहनी वो भी क्लियर हो जाए कि आप लोग देख के बताएं कि आप लोगों को बड़े लग रहे हैं, और मेरे पीछे की वीडियोज़ में जाएंगे तो बकराईद के टाइम की वीडियो है जब ये हम लेकर आएँ, तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि उस टाइम से और अब टाइम के हिसाब से ये बड़े हुए या नहीं। तो यार 6 बज चुके हैं दोस्तों और देखो सूरज जो है वो ढलने को आ रहा है, रोशनी देखो सारी गायब, अब थोड़ी देर में मगरिब की अजान स्टार्ट हो जाएगी और ये रोशनी सारी थोड़ी देर में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, यानी कि अब 6 बजे जो है वो मगरिब तकरीबन होने स्टार्ट हो जाएगी, और सर्दी का इस चीज़ से पता लग रहा है कि सर्दियाँ आ गई भाई, कि अब जो है मगरिब इतनी जल्दी हो रही है। खैर से यार ये दोनों आखिर के रह गए थे, ये जल्दी से खा लें, तो यार मैं इनको बंद करके नीचे चले जाऊंगा। बाकी दोस्तों यार हमजा ने जो मुझे उसके लिए मना करा है, तो आप लोग बताएं क्या सही करा है, क्या हमें इस मरतबा कैंडलिंग नहीं करनी चाहिए और बच्चों को खुद ही निकलने देते हैं इनके अपने टाइम पर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर लो जाके। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।